क्या आपको भी खुलकर सांस लेने में दिक्कत होती है? क्या ऊंचाई चढ़ने पर आपकी सांस भी जल्दी ही फूलने लगती है और आप थकावट से भर जाते हैं? क्या आप सांस फूलने के डर से कोई खेल भी नहीं खेलते या कहीं घूमने का प्लान भी नहीं बना पाते? अगर आपको भी रोजमर्रा की जिंदगी में ये समस्याएं हैं तो वीडियो को पूरा देखें। फेफड़े की कमजोरी काफी रीजंस की वजह से हो सकती है। जब लंग्स ठीक से काम नहीं करते तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज सही तरीके से नहीं होता, जो बॉडी के लिए जरूरी है। आइए फेफड़ों की कमजोरी के कारणों और लक्षणों को आसान भाषा में समझते हैं। स्मोकिंग। सिगरेट स्मोक में जहरीले पदार्थ होते हैं जो लंग टिश्यूज को डैमेज करते हैं। ये आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी जिसमें वायुमार्ग में सूजन और म्यूकस का उत्पादन बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको एम्फेसीमा, जिसमें फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियां कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अदला बदली नहीं कर पाती और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसी कंडीशंस के कारण बन सकता है। पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रियल स्मोक और हवा में मौजूद धूल लंग्स को इरिटेट कर सकते हैं और उनकी कैपेसिटी को कम कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया या ब्रोंकाइटिस लंग्स की कैपेसिटी को कम कर सकते हैं और फेफड़ों में सूजन पैदा कर सकते हैं। लंबे समय से चलती आ रही बीमारियां जैसे अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस चिपचिपा म्यूकस बनाता है जो फेफड़ों में जमा हो जाता है और संक्रमण का कारण बनता है। एलर्जीज। मौसमी बदलाव, फर्नीचर मलबे इत्यादि से निकले डस्ट माइट हैं जो लंग्स में सूजन पैदा कर सकते हैं और सांस लेना मुश्किल बना देते हैं। मोटापा। ओवरवेट या ओबेसिटी से डायाफ्राम यानी कि सांस लेने वाली मांसपेशियों पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से लंग कैपेसिटी कम हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ लोग जेनेटिकली यानी परिवार से मिलने वाले जीन्स के कारण से फेफड़ों की कमजोरी महसूस कर सकते हैं या उससे जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। लक्षणों की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस छोटी होना, थोड़ा बहुत भाग दौड़ के दौरान सांस लेने में मुश्किल होती है जिससे आपको थकान महसूस होती है। कफिंग यानी कि खांसी, लंबी खांसी होना जो सूखी या बलगम वाली हो सकती है, ये क्रॉनिक या लंबे समय से चलती आ रही कंडीशन या इन्फेक्शन का नतीजा हो सकती है। चेस्ट टाइटनेस यानी सीने में दर्द या भारीपन, सीने में भारीपन या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है जो सांस लेने में रुकावट कर सकता है। फटीग यानी कि थकान, लंग्स की कमजोरी से आपको थकान महसूस हो सकती है क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर आपको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे फ्लू कोल्ड हो रहे हैं तो ये वीक लंग्स का कारण हो सकते हैं। साइनोसिस, ये एक सीरियस सिम्टम है जिसमें लिप्स या नेल्स का रंग नीला हो जाता है जो ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। फेफड़ों की कमजोरी बहुत सीरियस हो सकती है और इसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। अगर आपको इन लक्षणों का एक्सपीरियंस होता है या लंग्स की हेल्थ के लिए आप चिंतित हैं तो प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी को इस विषय पर जरूर सुने। देखिए, इसमें वैसे तो बाकायदा इलाज कराना चाहिए, उपचार कराना चाहिए, लेकिन मैं घरेलू नुस्खे पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, इसलिए घरेलू नुस्खा इसी प्रोग्राम में दो बार पहले भी बता चुका हूँ कि आपको अलसी लेनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम लिसोड़ा भी एक दवा है, अलसी भी एक दवा है, और 100 ग्राम उन्नाब और इसमें 20 ग्राम पीपले जो आपके किचन के गरम मसालों में होती है, एक एक इंच की या उससे थोड़ी सी बड़ी, बड़ी खूबसूरत सी एक फाइल सी होती है, इनको पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह खाली पेट गरम पानी से लिया करें और 5 बार गरम पानी पिएं। ज़रूरत पड़े तो एक खुराक रात को सोते वक्त भी गरम पानी के साथ ले सकते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है।